Assalamu alaikum, PSY516 statistics in psychology. Assignment number 1 ka jo solution hai is video mein main share karunga. Jaise ke mere PRA subscribers jo visual university ke student hai aur jinka ye course hai unhone mujhse request ki thi ki aap kindly is assignment ka solution jo hai wo aap is kaise solve karenge iska jo methodology hai aur saath mein iska jo assignment ka jo solution hai wo bhi share kar do hame samjha de. To aapki request karne par maine ye solution जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगा और आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप सॉल्व करेंगे. ओके, सबसे पहले मैं असाइनमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो डिस्कस कर लेता हूं. तो असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में ये बताया गया कि जो भी स्टूडेंट इस असाइनमेंट को कंप्लीट करेगा तो स्टूडेंट काबिल हो जाएगा कि किस तरह से वो कंसेप्ट को पढ़ सके, किसके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को. और फिर बताया गया कि प्यारे तालिब इलम, ये जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये लेक्चर नंबर 2 में, लेसन नंबर 2 में डिस्कस किए गए हैं. और आपको एक एग्जांपल देगी, आप एग्जांपल को पढ़ें और आइडेंटिफाई करें कि कौन सा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स है जो एग्जाम्पल में इस्तेमाल किया गया है. और आपने जस्टिफाई करना है लॉजिकल रीज़न के साथ, क्योंकि आपने जो वेरिएबल चूज़ किया है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये आपने उसमें बताना है, यानी कि जस्टिफिकेशन कॉलम में. ओके, उसके बाद ये एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 टोटल एग्जांपल्स हैं. लेकिन इससे पहले मैं आपको हैंडआउट्स ओपन करके बता दूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या चीज़ है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मीन दैट ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो वजह बनते हैं दूसरे वेरिएबल्स को मुतासिर करने में. जैसे कि अगर आंधी आएगी, आंधी इंडिपेंडेंट है और वो मुतासिर करेगी इन्वायरमेंट को. ओके, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो मैनिपुलेट कर देते हैं रिसर्चर्स को, और जो बिहेवियर ऑफ रिसर्च होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यूजली तौर पर, आम तौर पर कंसिस्ट करते हैं कि ये 2 or more ट्रीटमेंट कंडीशंस का बाइस बनते हैं. मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं उसकी वजह से अगर कोई कंडीशंस क्रिएट होती है तो 2 से ज़्यादा ही ट्रीटमेंट कंडीशंस जो है वो वजह बनती है, और सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट को एक्सपोज करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होता है वो कंसिस्ट करता है एडजेसेंट कंडीशंस को, मतलब कि ऐसी कंडीशंस जो एक किस्म की एडजेसेंट हो, मतलब कि अकाउंटेबल हो, और मैनिपुलेट करता है कि ऐसे प्योर ऑब्जर्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल्स को. मिसाल के तौर पर 2 कंडीशंस हैं, एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ग्रुप है प्री और पोस्ट टेस्ट के नाम से, तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंसिस्ट करेंगे एटलीस्ट 2 वैल्यूज के साथ. समटाइम आपको लाजमी तौर पर 2 डिफरेंस वैल्यूज को लेकर आप कर सकते हैं कि ये वेरिएबल्स हैं. और जो प्रिडिक्टर वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल जो प्रिडिक्ट, एक वेरिएबल के थ्रू दूसरा जो प्रिडिक्ट किया जाता है वो दूसरा जो होता है वो आउटकम होता है. और यही बेसिकली जो दूसरी टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से इसको कहा जाता है. ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऐसे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं, जिनको असेस करना पड़ता है ट्रीटमेंट के इफेक्ट के लिए. और एक वेरिएबल, जब एक वेरिएबल के जरिए जो के इफेक्ट हो चुका है चेंजेस की वजह से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, तो आपको ये थिंक करना पड़ता है कि जो वेरिएबल आउटकम्स हैं ये इसी वजह से हैं, हो सकते हैं. और ये वेरिएबल्स जो हैं ऑब्जर्व किए जाते हैं कि किस तरह से इनको हम मेजर करें, किस तरह से हम जो स्कोर्स हैं वो हासिल करें डिपेंडेंट वेरिएबल का. और आउटकम वेरिएबल्स में, मतलब कि वेरिएबल के नतीजे में, हम ऐसे जो वेरिएबल के ज़रिए चेंजेस फंक्शंस को, हम फंक्शंस की जो चेंजेस है वो चेंज कर सकते हैं जो कि एक प्रिडिक्टर वेरिएबल के थ्रू हो. और ये जो टर्म है इस्तेमाल की जाती है ज़्यादातर डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, जिनको आप प्रिडिक्टेबल कर सकते हो. ओके, असाइनमेंट के सॉल्यूशंस मैं आप ओपन करके आपको बताता हूँ कि कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल है.
ओके एग्जाम्पल नंबर वन में बताया गया कि डॉक्टर नवीद ने एक ऐसी कंडक्ट रिसर्च जो है वो कंडक्ट की है इन्वेस्टिगेट के लिए कि अगर स्लीप में यानी कि सोने में तब्दीली पैदा की जाए, सोने के जो पैटर्न है रात दिन और सुबह शाम, इसमें अगर तब्दीली पैदा की जाए तो क्या ये स्ट्रेस की वजह बन सकती है, स्ट्रेस बनाने की इन्फ्लुएंस करने की मुतासर करने की वजह बन सकती है। तो उसने पार्टिसिपेंट से पूछा, एक रिपोर्ट उसने ली स्लीप क्वालिटी को लेकर, और स्पेसिफिक जो पीरियड है इसने स्ट्रेस लेवल को मेजर किया बिफोर आफ्टर टू स्लीप, यानी कि आफ्टर टू सी देखने के बाद उसने ये स्लीप क्वालिटी के इफेक्ट स्ट्रेस लेवल्स को देखा, अगर देखा। ओके इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं इसमें वेरिएशन इन स्लीप क्वालिटी है, क्योंकि इंसान इसमें इसने सोने में तब्दीली ये पैदा किया है कि कब सोना है, कब लेटना है, कब उठना है। अगर इसमें तब्दीली जब पैदा की है तो जाहिर से बात है कि लेवल ऑफ स्ट्रेस यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पे कम हो सकता है। अगर एक बच्चे को या एक इंसान को उसकी जो वो 8 घंटे सोता था और 8 घंटे में से 4 घंटे उसको सोने की इजाज़त हो, या उसके वो 4 घंटे सोना शुरू कर दे, तो उसके स्ट्रेस में डेफिनेटली ज़्यादा इजाफा होगा। अगर एक इंसान 8 से ज़्यादा 12 घंटे सोता, जाहिर सा पता है उसके जो स्ट्रेस है वो कम होगा। तो जस्टिफिकेशन में मैंने बताया कि इस एग्जांपल में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो स्लीप क्वालिटी है, क्योंकि ये जो फैक्टर है ये मैनिपुलेट कर रहा है, मतलब कि एक मिटिगेशंस पैदा कर रहा है। मिटिगेशंस या मैनिपुलेशंस से मुराद ऐसे फैक्टर्स जो तब्दील कर लेते हैं, लेकिन क्या वो एक राह रास्त पे नहीं, लोगों राह रास्त पे वो फैक्टर्स को नहीं लेके आ रहे होते, बल्कि बिगाड़ पैदा कर रहे होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। और ये ऑब्जर्व किया डिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू, और जिसकी जिस जिस जो जिसकी जिस जिससे लेवल ऑफ स्ट्रेस के जो जो के लेवल ऑफ स्ट्रेस है, और ये जो लेवल ऑफ स्ट्रेस है ये डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ स्लीप में, और है और ये देयर फॉर जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके आगे एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 2 में बताया कि डॉक्टर मोहसिन जो है वो एक कंडक्ट करता है लोगिट्यूनल स्टडी। लोगिट्यूनल ऐसी स्टडी होती है जो कि एक रिसर्च बेस पे एक सेंसिटिव टॉपिक पे हो। तो डॉक्टर मोहसिन ने जो सेंसिटिव टॉपिक जो चुना है वो एक चाइल्ड न्यूट्रिशंस पे चुना है। उसने देखा है कि किस तरह से चाइल्ड न्यूट्रिशंस अफेक्ट कर सकती है चिल्ड्रन के ग्रो अप पे, और उसने ऑब्जर्व किया कि एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जो है वो बर्थ का उसने मॉनिटर किया कि एक डाइटरी हैबिट्स और हेल्थ के जो स्टेटस हैं वो एज वाइज डिफरेंट हो सकते हैं। और साथ में इसने ये भी बताया कि जो बच्चा है वो ग्रो ओल्डर होता है, और यहाँ तक कि डॉक्टर मोहसिन ने असेस किया है एक ऐसा पैरामीटर जिसके थ्रू वेट, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेवल ये डिटरमाइन करता है कि किस तरह से हमारी इफेक्ट ऑफ अर्ली जो न्यूट्रिशंस है हमारे हेल्थ के मुताबिक ओवरऑल होती है। ओके इसमें जो चाइल्ड न्यूट्रिशंस है ये जाहिर से बात है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसी वेरिएबल के थ्रू क्या होता है कि एक इसमें अगर एक बच्चे को अगर बचपन से बहुत ज़्यादा खाने पीने का अगर दिया जाए, मसलन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा खाते लेकिन उनकी बॉडी को नहीं लग रहा होता, एक्चुअल में उनको एक ईटिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है, या फिर क्या है कि एक खानदानी जेनेटिकली तौर पर एक चीज़ दाखिल होती है कि खा, और वो हेल्दी ना भी हो ना, लेकिन क्या होता है कि उनके माइंड में जो होता है ना यानी कि उनके एक हैबिट जो होती है खाने पीने की वो एक ज़्यादा डेवलप हुई होती है जिसकी वजह से वो ज़्यादा खा लेते हैं। तो ये चाइल्ड न्यूट्रिशंस जो होते हैं न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं वो इस तरह से स्टडी करते हैं। अब क्या है कि ये चाइल्ड न्यूट्रिशन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशंस में खाने पीने के मामलात में रूटीन लाइफ में अगर इनमें कमी की जाए या इजाफा किया जाए तो उससे एक पैरामीटर डेवलप होता है
जैसे कि वेट, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल और ये जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ये हेल्थ पैरामीटर्स में आता है। ओके, अगर जस्टिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैंने बताया गया कि चाइल्ड न्यूट्रिशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट है, और ये इसलिए इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये फैक्टर जो है वो ऑब्जर्व किया जा ऑब्जर्व या मैनिपुलेट कर सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, जिसके बायस क्या हो सकता है कि हेल्थ के पैरामीटर्स जो है जैसे कि वेट, ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वगैरह, ये भी मुतासर हो सकती हैं, इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। और ये हेल्थ के पैरामीटर्स हैं और डिपेंड ऑन चाइल्ड न्यूट्रिशंस पे हैं, इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। सिनेरियो नंबर 3 की अगर बात करें तो इसमें मैंने बताया कि मिस्टर खान कंडक्ट करता है कि गुजाई एक्सपेरिमेंट स्टडी करता है प्रपोजिव पर्पस सेलेक्ट स्टूडेंट्स पर, और वो 2 सिमिलर क्लासेस होती हैं। इसमें एक क्लास में क्या होता है कि ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड है जबकि यूज इस्तेमाल किया जा रहा है, और जबकि दूसरी क्लास में वर्चुअल टीचिंग मेथड इंप्लीमेंट किया जा रहा है जैसे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी। और ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो रिसीव कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन सेम सब्जेक्ट स्टिमुलेटरी तौर पर, और इसके जरिए एक सेमेस्टर जो कि एक एक सेमेस्टर में है। और एट दी एंड जो सेमेस्टर होता है वो असेस करता है एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के परफॉर्मेंस और साथ में दूसरे किसी फिजिकल यूनिवर्सिटी के परफॉर्मेंस लगा रहे। अच्छा, ये दोनों जो होती है ना ग्रुप यूजिंग, एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनरी पे डिपेंड है, ये स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस इस्तेमाल कर रही है। ओके, उसके बाद इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो टीचिंग मेथड है ट्रेडिशनल एंड वर्चुअल, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर ज़्यादा या कम, मतलब कि वर्चुअल है, फिजिकल फिजिकल है, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल है, मतलब कि मैं फिजिकल को ट्रेडिशनल में कंसिडर कर रहा हूँ, लाइक दैट। तो अगर ये क्या होता है कि ये एकेडमी की जो परफॉर्मेंस है वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं रिजल्ट्स को। तो जस्टिफिकेशंस में आप कुछ हिसाब से बता सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एग्जांपल के एग्जांपल है टीचिंग मेथड की, और इसमें ट्रेडिशन वर्सेस वर्चुअल है, और क्योंकि ये फैक्टर मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जैसे इफेक्ट और डिपेंड वेरिएबल होंगे और एकेडमिक और डिपेंड वेरिएबल एकेडमिक परफॉर्मेंस है, और ये एकेडमिक परफॉर्मेंस डिपेंड करती है टीचिंग मेथड में जो के डिपेंड इस्तेमाल किया जाता है वर्चुअल और ट्रेडिशनल। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 में बताया गया है कि मिस्टर कमर जो है वो एक प्लान इन्वेस्टिगेट जो है वो लिस्ट म्यूजिक के लिए वो कर रहे हैं, और इसकी वर्किंग के लिए वो प्रोडक्टिविटी को आगे रख रहे हैं, पार्टिसिपेंट जो है वो असाइन कर रहे हैं, और म्यूजिक ऑन और नो म्यूजिक कंडीशंस की जो है ना वो कंप्लीटिंग टास्क कर रहे हैं, और इसके लिए प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो कंपेयर किया जा रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस में। इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो बैकग्राउंड स्टेनिंग म्यूजिक है लाइक दैट म्यूजिक वर्सेस नो म्यूजिक कंडीशंस वगैरह, और प्रोडक्टिविटी लेवल चेक किया जा रहा है कि जो म्यूजिक नहीं सुनते वो कितने जहीन है या कितने उनका प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो रहा है, और अगर जो म्यूजिक नहीं सुन रहे तो उनका कितना प्रोडक्टिव लेवल है। जैसे कि गायें को अगर म्यूजिक सुनाकर उसका दूध साल में चोया जाए तो वो ज़्यादा दूध देती है, तो ये म्यूजिक भी इस तरह से इम्पेक्ट करता है, और जो वो दूध है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ये मैंने सादा सी एक देसी एग्जांपल बीच में दे दी आपको। अच्छा, जस्टिफिकेशन आप किस तरह से देंगे, और ये वाकई में ही हकीकत है ये जो एग्जांपल मैंने आपको देसी दी है, तो ये बकायदा एनिमल बिहेवियर्स ऑफ साइकोलॉजी जो है उसकी रिसर्च के मुताबिक है। जस्टिफिकेशन आप इस तरह से दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो लिसन म्यूजिक है, और जिसमें म्यूजिक वर्सेस नो म्यूजिक कंडीशंस है, और ये फैक्टर्स मैनिपुलेट कर सकते हैं और डिपेंड प्रोडक्टिविटी लेवल्स को, जो के प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो एक किस्म का डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट पे, क्योंकि बैकग्राउंड में प्रेजेंट म्यूजिक्स वगैरह चल रहे हैं जिसके बायस ये डिपेंडेंट वेरिएबल है।
आगे फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल की बात करें तो मिस्टर अली जो है इनवाइटेड करता है पार्टिसिपेंट्स को यूनिवर्सिटी कैंपस में, और रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो उस पर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, और वो पूछता है कंप्लीट टू क्वेश्चंस, वन असेसिंग, जो एक क्वेश्चन जो है वो असेस करता है स्मार्टफोन्स की यूजिंग हैबिट इसको, और हॉर स्पेंड्स ऑन द फोन को पर डे के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेकिंग, नोटिफिकेशंस भी करता है। इसके अलावा जो दूसरा जो है वो असेस करता है एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेकर, GPA, सेल्फ रिपोर्टेड ग्रेड्स, मतलब कैसे स्टूडेंट्स जो फोन वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करना क्या उनके CGP पे इम्पेक्ट करता है, सेल्फ उनके ग्रेड्स पे इम्पेक्ट करता है, या फ़ोन को कम यूज़ करने से भी उनके GPA और उनके जो एग्ज़ाम पे इम्पेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। अच्छा, ये स्मार्टफोन एक किस्म का इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, यूजिंग ऑफ हैबिट्स पे डिपेंड करता है, कोई ज़्यादा इस्तेमाल करता है कोई कम, तो जाहिर सी बात है कि भी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इसी के मुताबिक होगी। इन जस्टिफिकेशंस में बस आप यही बता सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो स्मार्टफोन यूजेज है, जिसमें हॉर स्पेंट और कितने यानी कि घंटे कितने इस्तेमाल किया गया मोबाइल पर डे, फोन पर डे के हिसाब से, और फ्रीक्वेंसी जो है वो चेक नोटिफिकेशंस है के हिसाब से है। बिकॉज क्योंकि ये जो फैक्टर्स होते हैं ये एक किस्म के ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल्स में एकेडमिक परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ रहा है, इफेक्ट हो रहा है, असर पड़ रहा है, और ये एकेडमिक परफॉर्मेंस ये डिपेंड करती है स्मार्टफोन यूजेज पे और पर्टिकुलर यूजेज पे, जिसकी वजह से ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर आपने साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे प्यारे तालिब इलम मतलब कि विजुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ऑलरेडी आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।